कितने महीने के बच्चे हैं ये? ये एक दिन का है, ये चार पाँच दिन का है। अच्छा एक दिन का ये? नहीं ये एक दिन का है, ये चार पाँच दिन का गया। तो डेरो कद खाली कर सो? डेरो तो उठा मैं दो बजे। और आज कठिन लगा सो डेरो? मान लो जंगल में चढ़ाओ तो थाने परेशानी तो लोगे? परेशानी तो आवा कहीं कर तो अटेगा। आसपास का लोग चराबा देवे? कौन चराबा दे? कोई मन है भी करा, कोई चराबा ही दे। अच्छा तो दोस्तों अभी बारिश चालू हो चुकी है और हम इनके डेरे पे पहुंचे। जैसा कि आप देखेंगे इन्होंने डेरा लगा रखा है और अभी बिल्कुल ये काड़क का बंधा है। बारिश का जो बांध है, पानी इकट्ठा होता था वो बांध है और आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे। तो अभी आप देखेंगे इनके जो रात को रुकने की जो व्यवस्था है वो पीछे आप देखेंगे चारपाई लगा रखी है और ये भाई साहब देखो तिरपाल लगा के रुका हुआ है। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे कैसे इनका पशु जीवन को कैसे पालते हैं और कैसे इनका रोजगार चलता है। तो बने रहे वीडियो में और देखते रहे। दूदू जो जिला है उसके आसपास के जो पशुपालक हैं उनका जीवन बताएंगे कि कैसा इनका कठिन जीवन है, कैसे सुनसान जंगल में अपने पशुओं को लेके जो पशुधन है उसको लेके घूमते हैं और कितनी परेशानियों में रहते हैं। तो आज का वीडियो रहेगा हमारे गुर्जर समाज का जो कि बहुत ही समस्याओं में है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं, देखो ये यहाँ पे भेड़ जो कि इन्होंने पाल रखी है और अभी बरसात का जो मौसम चल रहा है उसमें बहुत ही परेशान हो रहे हैं। राम राम। राम राम भाई, राम राम। काय नाम है आपनो? मेरा नाम सत्तू पोसवाल। सत्तू पोसवाल जी, कौन सा जिला से हो? जयपुर जिला। अब तो दूदू जिला हो गया। दूदू जिला बन गया। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताओ भाई साहब, अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश भी आ रही है, तो बारिश में ये जो भेड़ है इनकी ऊन वगैरह तो गीली हो जाती होगी? गीली होती है। तो इनको कोई परेशानी नहीं होती? नहीं परेशानी। कितने महीने के बच्चे हैं ये? ये एक दिन का है, ये चार पाँच दिन का है। अच्छा एक दिन का ये? नहीं ये एक दिन का है, ये चार पाँच दिन का गया। अच्छा कौन सा एक दिन का? ये एक दिन का, ये चार दिन का। तो इसको एक दिन के वो रस्सी बांध दी गए गले में? क्यों बांध जाता है बेड़ निकला? अच्छा ये जो आपने बना रखा है ये छोटे बच्चों के लिए बना रखा है? बच्चे के लिए। अच्छा अच्छा, तो जाती है तो बारिश के दिनों में इनको ऐसे छाया इसके अंदर ही कीड़ा पड़ जाते हैं इसके अंदर रहते हैं। अच्छा कीड़े पड़ जाते हैं बरसात में? कैसे कहाँ पड़ते हैं कीड़े? पड़ जाते हैं पैर में, मुंडा में, कहाँ से पड़ जाते हैं? अच्छा कहीं से भी पड़ जाते हैं। तो अभी बारिश में तो फिर आप इनको कितने बच्चे हैं ऐसे छोटे छोटे? ये छोटे बच्चे 60-70 बच्चे पूरे में। पूरे में? हाँ। तो सभी को इनको नीचे रखते हो क्या? नीचे सब को, तिरपाल के नीचे। तो आपका रोजगार का काम तो यही होगा भेड़? तो कितनी भेड़ है आपकी? हमारी भेड़ है 200 मेरे पास है, 300 इसके, 150 उसके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी परेशानियां हो रही है, बारिश चालू हो चुकी है और ये जो तिरपाल का इन्होंने छोटा सा मंगरा बना रखा है उसमें रुके। राम राम बाबा जी। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम भाई। तो, राम राम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे बाबा लोग इसी छोटी सी जगह में। राम राम बाबा जी। तो सारे जना ही इतनी सी में किया मामला? आ जाओ छोड़ो इनको तो बिस्तर को। तो बाबा जी ये बरसात में तो बड़ा परेशान होता होला? तो बाबा जी ये बताओ बरसात का दिन हमें तो निकलो तो घर से, तो फिर ये जंगल के मायने रहो तो रात नहीं या बिजली बिजली गिरे या कोई सांप गोयरा को डर को लगे सुबह उठ बा में चराबा में गेरबा में ऐसे ही दुख पड़ता है सारी बात। तो घर था क्या गाँव ओड़ी को नहीं गई यहाँ गौ चोरो? गाँव ओड़ी कौन को सर साथ में चाह रहे दिन बाद नफा दी देखा दादा चाल दूँ देखा। अरे मैं तो कहीं नपा नपा बाबू काम तो हर जगह जी हम मान लो सरपंच को राको रह देने गौ चोरा छोड़ बाबू सरपंच हमारे गाँव में खुद दिखा रखा है। अच्छा खुद सरपंच जानकार क्यों है सारी बात है। तो था गांव में भी तो दूर दूर का जिया कोई गौचरा में चराबा तो आता ही होला ना जिया थे अठीने आया तो बठीने बठीने को सही बोले छोटा लगा दिया डोली बना दिए ऐसे खुद का दड़ी से बूझ रहेगा दूसरे में करेगा। तो जिया थे था के समाज में कौन खिएगी जिया था के नेता नांगला जिया था के समाज का भी हो जाने नेता नांगला तुम दमिया तू करे कोशिश तो कर दियो भाई।
भाई मैं तो कोशिश कर रही हूँ भाई, मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ भाई, भाई गायु चराय पे जो अतिक्रमण हो रही है भाई लोग भाग बाबा जी बोल मैं तो कही आज मार कर दो मैं तो देखो जयपुरी जयपुरी अच्छा तो माँ के तो माँ के तो बट जगह ही कोने तो बाप लोग 11,000 रुपया खुआ खुद तो पहला या तो गवर्नमेंट की जगह तो एक मायने तो थाने कौन रोके इन्हें भी गांव वाला परेशान करे थे क्यों तू राज मई साथ मैं तो छू दिखा दिया कुने डाटे जे कुने राखे जे बिकी लिए तो बस कलियो कर दो तुम खड़े कलियो तो कर रहा है जो मैं कलियो तो कर रहा है लाठी ले अच्छा तू चल साथ बैठ गई भैया मन परेशान करेगा तू कहे तो तुम करो तो वो बगाने आएगी ना उसको तो ते कितना दिन से जो हटे आज कल ही आया जो हम तो अच्छा कल ही आया जो कल तारा काकड़ में आज हो रहा तो दोस्तों ये देख सकते हो आप ये भाई साहब भी अपने भेड़ों को लेके जा रहे हैं और चरा रहे हैं तो ये इनके सामने भी बड़ी समस्या है और अभी ये निकल चुके हैं अपने भेड़ों को चराने के लिए राम राम कौन सा गांव का बाबूजी एमपी से अरे वाह एमपी मालवा तो कसोग लाजो राजस्थान तो कितनी भेड़ है आपने कितनी भेड़ है 250 करीब तो एक मायने थाने जी मान लो जंगल में तो चराओ तो थाने परेशानी तो न होगी परेशानी तो आवा कहीं करे तो अटेगा आसपास का लोग चराबा देवे कौन चराबा दे कोई मन है भी करे कोई चरावा ही दे अच्छा तो अबार कटे से एड़ा होते हमारे एमपी से आए हो या आगे जा रहे जो नहीं अटे से ही आया अटे से ही आया तो ये देखो अपने पशु धन को लेके जा रहे हैं तो ये इनका पशु धन है इनका रोजगार है तो इस रोजगार से ये अपना जीवन यापन करते राम राम बाबा जी राम राम हो भाई तो थे कौन गए ये आज बकरिया ने चरावा भेड़ आने मान जाऊ मान लिया छोटा बच्चा ने तो डेरो कद खाली कर सो डेरो तो उठा मिलो 2 बजे और आज कटिने लगा से डेरो आज बोरा चीनी का पीछा दिलो जड़ी नहीं बोरा बोरा अरे चाय चीनी तो मैं पिला दूंगा या काली बात करोगे यार ये बात मत करो करो मार बात तो अच्छे किया तो आप हां या या तो अच्छा अरे यार कुमाओ ताके तो यार गांव से तो पाजी साहब आने लगा था यार तो वो तो मैं तो पादू लेकिन अंडे को बहुत है या थोड़ी से पाजी साहब गांव में तो सर गई तो ये बताओ क्या थे काई प्रॉब्लम था ने प्रॉब्लम कहीं से बैठे थे बंदे गांव वाला साथी गांव मारा साथी हां मैं तो देखो था मैं तो कंड मना करूंगा कौन था साथी दूसरा अम्मा की भैंस चली मैं छे चली मार पाजी सर लो मैं बाऊंगा खेती करूंगा कोई कहीं तो अंडे खाड़ा में काई बाऊ ले लो बतवाऊ मैं पाजी सर ली तो ये भी तो जानवर ही जाएंगे सब लोग ना प्रभु लोभ से कहीं का बताओ बाबा तो सही है लेकिन जब मान लो था ना या दिक्कत हो जो तो फिर ते लोग ने बन क्यों अपना समाज का ने के समाज का इधर किसी लड़ाई कर पाऊंगी क्या नहीं लड़ाई तो कोई बन कर सके भाई ये गौ चोर तो सबको ही हो है कोई तो बाबा जनता से कहीं कर ले पता देखे थी भाई गुस्सा भाई लिया खेती जोड़ दिया कब्जो कर रहे हैं गौ चरा पे गौ साहब कब्जो कर लिया तो भाई बात तो या तो सब जगह समस्या बला पूरी दुनिया में होगी पूछ रही हो पूरी संसार में लोगों के लिए मकान बन गया बाड़ा बना लिया खेती बना लिया कब्जा कर लिया पूरा गोद से गौ से सो जाए कोई कड़े कड़े सो जाए मंदी ना फोर तो सब कब्जा हो गया तो देखो दोस्तों बहुत ही बड़ी समस्या है गुजर समाज में और देवासी समाज में क्योंकि इनका जीवन तो पशु का जीवन यही है पशुपालक पर ही है यही चमक कर रहा है माई दो दो समाज की कौन सुने हाँ यही तो है ना कौन सुने बताओ नेता नांगला कौन सुने दो समाज के बता नेता नांगला ने तो थे जहाँ था का समाज का मुखी हो है कौन है तो अभी ने अभी के सामने कौन रखो कोई समस्या मुखिया और मरी जाए 250 मरिया कौन जाए जी साल प्रजा पाड़ी
थोड़ा मिल जाएगी कट कटे इस वाइप पर मार दो आज चक्कर में ये मतलब ये सिकंदरा दुबई कलाई दुनिया भर की लड़ाई कर लो पार्टी सरकार में लड़ाई कर ली पर कहीं नहीं बोल रहे मार तो पड़ गया फायर भगा दी कौन सुने तुम नहीं बात तो सुनी जी बात तो भी आरक्षण का चक्कर तो आयसन वही तो लिया भाई जान भी बोल रहा कुपा जो फिर कहीं करा नहीं कहीं पाएगा सही है नौकरी भी ले लगाओ जान भी नहीं लगा सकता कहीं का फिर क्या 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 रोजगार करो रोजगार बताओ ना रोजगार की रोजगार तो सही है भाई गौ चरण का जाओ रोक ले मन को रोजगार में कहूँ कमार खाओ कमार खाइए कमार खाओ बताओ कहूँ कमार खाओ रोजगार मोबाइल से कमार खा जा जाओ भी कमावा लाग जाओ भाई बात सबको धंधो कौन तो मेरा धंधा यही है गऊ सबको धंधो कौन तो घना कमार खा रहा मोबाइल कौन खा रहे कमार खा रहे जे तो ये देखो ये इनके पशुपालकों का जीवन है बहुत ही दुख में जीवन है तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये जो भेड़ के बच्चे हैं इनको लेके और ऐसे घूमते हैं बहुत ही बड़ी समस्या है इन लोगों के सामने और ये देखते हो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो भेड़ के कांटा घुस गया कितनी परेशानी हो रही है इनको तो ये देखो परेशानी तो घनी हो रही जो करा कहीं तो भाई साहब आप क्या कहना चाहते हो अपने समाज के लिए अपने लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो सरकार को मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ हमारे गांव में है ना हमारी समस्या बहुत आ रही है बेडन के चराने की वो चरा का है ना पूरा वो पूरा रुक चुका है गौ चरा पूरा रुक चुका है पूरा तो कोई सरकार इसको बुला दे तो मैं ऐसे परेशान नहीं पाऊँ लोगों की गाड़ियाँ सुना बरसात में काया हो जावा बेडन भी दुखी हमारे भी दुखी यहाँ पे जिसलिए कोई सरकार इसको गौचरा न पा दे हमारा को तो ये चाहता हूँ मैं तो थे पूरा 12 महीने ये घूम रही चराओ या ये 12 महीने भी बाहर जाओ मैं तो था तो कोई 5-10 दिन जाएंगे अगर फिर उल्टा पाँच बारह आ जाएंगे तो बी टाइम कोई ने छोड़ तो जाता है वाला ग्वाल में छोड़ जाओ ग्वाल पाले तो बुला ले अच्छा कोई ने बुला ले गांव में से बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने समाज की जो समस्या है वो सरकार के सामने रखी क्या नाम है भाई साहब आपका मेरा नाम सत्तू सत्तू जी आगे सत्तू पोसवाल पोसवाल जी तो सत्तू जी पोसवाल जी ने अपनी समस्या बताई सरकार के सामने समस्या रखी है तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग इनकी समस्याओं को सरकार के सामने भेजे जिससे इनके समाज का कल्याण हो और पशुपालकों का भी कल्याण हो क्योंकि गौचरा आजकल देखने में आ रहा है कि भू माफिया उस पर कब्जा कर रहे हैं और बहुत ही परेशानी होती है दूसरी जगह जाते हैं तो इनको चराने नहीं दिया जाता गाली गलौच होती है तो बहुत पीड़ा है इस समाज को